नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर दिल में जज्बा हो और अपनी अलग पहचान बनाने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी छोटी लगने लगती है। जी हाँ, ऐसा ही एक जुनून लिए बिहार की बेटी मिताली यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराने के लिए आज रवाना हुई है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने शुभकामनाओं के साथ मिताली को रवाना किया। अल्ब्रोस नामक पर्वत पर तिरंगा लहराने के लिए मिताली आज रवाना हुई है। इस मौके पर मिताली ने कहा कि मैं काफी उत्सुक हूँ। मिताली ने कहा कि उसे लगातार तीसरी बार सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मिताली को जो भी संसाधन चाहिए होंगे वह उसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वह लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि पटना की 24 वर्षीय मिताली का लक्ष्य सातों महादेशों के सबसे ऊंची चोटियों पर पता हासिल करना है। जानकारी के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के मायापुर गांव निवासी मिताली प्रसाद ने दक्षिण अमेरिका की 6962 मीटर ऊंची चोटी माउंट एकंकागुआ पर भारतीय तिरंगा और पटना यूनिवर्सिटी का झंडा 13 जनवरी को फहराया था। बता दें कि बिहार की बेटी मिताली प्रसाद दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकंकागुआ पर पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मिताली प्रसाद का लक्ष्य सातों महादेश की सबसे ऊंची चोटियों पर पदक हासिल कर नया कीर्तिमान बनाना है, जिसके लिए मिताली अपने अगले लक्ष्य को हासिल करने यानी कि यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराने के लिए आज रवाना हो गई हैं। एक्साइटेड तो ऑब्वियसली बहुत हूँ क्योंकि अभी तक मैंने माउंट एकोंकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और 7 समिट में वो सेकंड प्लेस पे आती है और सेकंड एवरेस्ट के नेम से भी जानी जाती है। उस पीक को विदाउट पोर्टर एंड गाइड सपोर्ट के सबमिट करने वाली भारत से पहली बेटी बनने का सौभाग्य मिला और उसके बाद माउंट किलिमंजारो किया जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट वन है। तभी 7 समिट में ये जो है माउंट अल्ब्रुस जिसकी हाइट 5642 मीटर है उसको अभी ये थर्ड समिट होने जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 7 समिट में एक कदम और आगे आ रही हूँ। आगे कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्य क्या है? मेरा टारगेट है 7 समिट यानी कि सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अभी जो कल जा रही हो कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं जा रही हूँ यूरोप की हाईएस्ट वन पीक है माउंट अल्ब्रुस और ये 7 समिट में एक समिट आता है। इससे क्या बिहार सरकार के द्वारा भी आपको कुछ मदद मिल रहा है या जो भी कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं? ये तो सर बताएंगे कि बिहार सरकार क्या मदद कर रही है। और मैं सर के क्षेत्र से आती हूँ, मायापुर ग्राम निवासी हूँ। नहीं था कि मुझे एक दिन होके माउंटेनियर बनना है और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोकल में देखते हैं इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर, मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, हमारे भैया चाचा कोई ना कोई मिल जाते हैं। लेकिन माउंटेनियर मतलब मैं खुद अपने लाइफ में पहली बार जब मैं एनसीसी के थ्रू कोर्स के लिए गई थी तब मुझे पता चला। एंड जब मुझे बेसिक कोर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ एंड वहाँ पे उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट आया था, याद है 2013 में, तो उसी टाइम जब मैं अभी वहाँ पर कोर्स में फंसी हुई थी तो मुझे काफ़ी सारे एक तरीके से कह सकते कॉम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे मिले थे और फ्यूचर में माउंटेनियर फील्ड को परस्यू करने का और मेरे को दिल से खुद से मन था कि मैं इस फील्ड को आगे करूं। तो फाइनली फिर मैं इस फील्ड को नाम क्या है? मिताली प्रसाद। मिताली जिस भी पर्वत पर अपना झंडा भारत का फहराना चाहती है फहरा करके आती है, इस बात की हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, गौरव है कि ऐसी बेटियां हमारे बिहार की है जिस भी पर्वत पर जा रही है झंडा फहरा करके आ रही है, आज भी जा रही है। पूरी शुभकामना है कि यह जाकर के झंडा फहरा करके आएगी। हम सब का स्नेह और सबका प्यार इसको मिलता है, इसके हौसले बुलंद है। कभी भी ये इनके झंडा झुकने वाला नहीं है, झंडा फहरा करके आएगी और जितनी भी हम लोगों से अपेक्षा इनकी है हम सब लोग मिल करके इनकी अपेक्षा को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।